एक पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी के मामले में अधिकारियों की ओर से की गई जांच में पता चला है कि उनकी कोई संदिग्ध या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। वे अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए भारत आई थी। सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। पाकिस्तानी नागरिक इकरा जिवानी को जनवरी के आखिरी सप्ताह में उनके पति मुलायम सिंह यादव के साथ बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। 19 साल की इकरा जिवानी अवैध रूप से भारत में रह रही थी। जांच में पाया गया है कि इकरा नेपाल सीमा के रास्ते भारत में घुसी थी। उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह से हुई थी और बाद में उसने शादी कर ली। शुरुआती जांच में ये पता चला कि दोनों बेंगलुरु आ गए और बेंगलुरु में सरजापुर रोड के पास चुन्ना सरदा इलाके में रहने लगे। उसने अपनी माँ से संपर्क करने का प्रयास किया जो पाकिस्तान में है। इसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने आरोपी महिला के बारे में जानकारी जुटाई और राज्य पुलिस अधिकारी को सतर्क किया। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और उससे और उसके पति को हिरासत में ले लिया। जांच से पता चला है कि इकरा और मुलायम दोनों का कोई आपराधिक या संदिग्ध रिकॉर्ड नहीं है। जांच में ये भी साबित हुआ है कि उसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए भारत आने के लिए सीमा पार की थी। जांच स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई थी। सूत्रों ने बताया है कि इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सौंपी गई। 4 साल पहले इकरा को मुलायम से प्यार हो गया और फिर साथ रहने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी इकरा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे अपने देश जाने से इनकार कर रही है।